बैंक ने फैसला कर लिया सरदार सरोवर डैम के लिए पैसे नहीं देंगे। भारत के लिए हजारों करोड़ रुपए की इतनी बड़ी योजना आर्थिक मदद के बिना हो नहीं सकती थी। और उसी वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पर्यावरण के विरोधी हैं, अपप्रचार की आंधी चलाने वालों ने इतना झूठ फैला के रखा था। भाइयों बहनों, हमने भी ठान ली थी वर्ल्ड बैंक और नो वर्ल्ड बैंक, हम भारत के पसीने से सरदार सरोवर डैम बना के रहेंगे। और आज इसने बना दिया। सरदार साहब का स्टैच्यू बनाने का निर्णय किया तो मन में ठान ली थी ये दुनिया में सबसे ऊंचा होगा, दुनिया में सबसे ऊंचा। कुल मिलाकर करीब 190 मीटर और प्रतिमा होगी 182 मीटर। अमेरिका में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उससे ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हमारे सरदार साहब की प्रतिमा अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी दो गुना ऊंची होगी, डबल होगी। दुनिया भर की हमारी आलोचना करने के प्रयास हुए, अनाप शनाप झूठे आरोप लगाए गए। मां नर्मदा का इस योजना को रोकने के लिए ढेर सारे षड्यंत्र हुए, लेकिन हमने हमेशा ये करके रखा था कि हम इसको राजनीतिक विवादों का विषय नहीं बनने देंगे। कल जब उनको हार्ट अटैक आया, पता चला, मैं अस्पताल उनको मिलने चला गया, जज्बा वही था, स्पिरिट वही था, शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन रगों में भरी पड़ी उसकी डिसिप्लिन की तड़पन नजर आती थी। ऐसे एक वीर योद्धा, वीर सैनिक, उनको हमने खो दिया है। मैं उनको आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके पराक्रम को ये देश हमेशा हमेशा याद रखेगा, उनकी डिसिप्लिन को याद रखेगा, उनकी त्याग तपस्या को याद रखेगा, मां भारती के प्रति उनके समर्पण को याद रखेगा और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेते हुए मां भारती के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प करेगी।